आज जो अपनी प्रमेय है वो ये है कि हमको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अपना एक समांतर चतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण है एसी और बीडी। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब है कि जब एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ये वाला विकर्ण भी दो भागों में बंट जाता है और ये वाला विकर्ण भी दो भागों में बंट जाता है। यानी कि अपन को ये सिद्ध करना है कि OA बराबर OC है और OD बराबर OB है। तो दिया है तो अपन आ गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। दूसरा इसके अंदर होता है सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमको क्या करना है, हमको दोनों को समद्विभाजित सिद्ध करना है। इसका मतलब हमको सिद्ध करना है OA बराबर OC तथा OD बराबर OB, ये हमको सिद्ध करना है। और प्रत्येक प्रमेय के अंदर हमको मुख्य चीज क्या ध्यान रखनी है, किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों में लेते हैं, तो हम लेते हैं इधर, ये हो गया अपना प्रूफ हो गया ना। एक तो लेते हैं अपन त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OCB। OAD और OCB को हम देखते हैं, ध्यान से देखो OAD और OCB, ठीक है। इसमें अपन को सबसे पहले तो क्या लग रहा है, जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि कोण AOD बराबर कोण COB, कोण AOD बराबर कोण COB। कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा AC इनको काट रही है, तो तिर्यक रेखा AC इनको काट रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा और इसी तरह से ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण BAO, कोण OAD बराबर कोण OCB, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, ठीक है। इसी प्रकार जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, अपने एकांतर कोण हो जाएगा, ये बात, ठीक है। अब अपना दूसरा क्या हो गया, कोण ADO, कोण ADO बराबर कोण OBC, यहां भी अपन क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। तुम्हारा कौन सा नियम आ गया यहां पे, कोण कोण और कोण, जो दोनों सारे कोण ही आ रहे हैं, तो अपन को एक इसमें ये नहीं लिखना, अपन को एक लेना, अपन को यहां पर ले लेते हैं AD बराबर BC, AD बराबर BC, तो यहां पर एकांतर कोण की जगह क्या ले लेंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो अपने यहां पे कौन सा नियम आ गया, ASA, हम लिखेंगे ASA नियम से, ASA नियम से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COB। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो इसका प्रत्येक अंग इसके प्रत्येक अंग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AO बराबर CO तथा OD बराबर OB, यही अपन उसे करना था, AO बराबर C OD बराबर OB, ठीक है, यही अपन उसे करना था, AO बराबर CO
और OD बराबर OB, यानी कि ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गए, और इसी से अपन को सिद्ध हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के द्विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें लास्ट में देखते हैं कि सिद्धम।